हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप VN ऐप में ट्रेंडिंग कलर प्लेटर्स फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN ऐप में। तो सबसे पहले आप अपने VN ऐप को ओपन कर लेना। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्लस का एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना बिफोर एंड आफ्टर दोनों फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में हो तो देन आप फोटो वाले सेक्शन में आ जाना एंड सबसे पहले आप बिफोर वाली फोटो को सेलेक्ट करना, फिर आफ्टर वाली को करना, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना, तो आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये बिफोर का फोटो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे इस आफ्टर को आप देखो तो ये बिल्कुल प्रॉपरली एडिटेड है। सिमिलरली आपको भी अपने फोटो को अच्छे तरीके से एडिट कर लेना है। फोटो लिप एप्लीकेशन है, पिक्स आर्ट है, स्नैप है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइटरूम वगैरह, ठीक है। तो इन सब से आप अपने फोटो को एडिट कर लेना, बैकग्राउंड को चेंज कर लेना, कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लेना, फेस को गोरा वगैरह स्मूथ वगैरह आप कर लेना, ठीक है। अच्छे से आपको फोटो को एडिट कर लेना है, ओके, तभी आप यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर को ऐड करना। तो बिफोर एंड आफ्टर फोटो ऐड हो गया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है एंड जो 9:16 का ऑप्शन दिख रहा है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आप अपने फोटो को ना इस तरीके से करके देख लेना कि क्या इनका साइज बदल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये थोड़ा जूम है, ये जूम आउट है, तो इनका साइज को ना आप यहाँ पे कोशिश करना कि बिल्कुल सेम रहे, ठीक है। जैसे कि अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके इसे आप जूम करोगे तो यहाँ पे ये लगभग सेम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैच कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट प्रॉपर लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब उसके बाद ना यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, वो जो कलर प्लेटर वाला है ना, हाँ उसका मैंने एक टेम्पलेट बना दिया जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो उस टेम्पलेट वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके पास वो वीडियो होना चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उसे सेव कर लेना, ठीक है। अब VN ऐप में या फिर यू बोलो अपने वीडियो के ऊपर ऐड करने के लिए आपको ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना, देन आपको वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। और वीडियो वाले सेक्शन में आने के बाद जस्ट यहाँ से आप स्क्रॉल करके उसे जस्ट आप सेलेक्ट कर लेना। मैं इससे टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे जस्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा स्क्रीन में आपको फिल कर लेना है। फिल करोगे तो आप देख पाओगे ये जो कलर प्लेटर वाला एनिमेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बस आपको इसका जो ग्रीन स्क्रीन है उसे आपको हटाना होगा, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल आप करोगे तो आपके सामने एक क्रोमा की का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये जो स्पील है इसे आपको 50 के आसपास रखना है। इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो जितना आपको सही लगे। फिर आपको डन कर देना है, ठीक है। डन आप कर दोगे देन आप यहाँ पे देख पाओगे आपको जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ना इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं करनी होगी क्योंकि ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे काम है वो यहाँ पे हो गया है इस कलर प्लेटर वाले टेम्पलेट को ऐड करने से। अब आपको ना यहाँ पे सिर्फ अपने फोटो को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि जहाँ पे ये जो एनिमेशन आपका बन रहा है, ठीक है, लाइक यहाँ, तो यहाँ पे आपका आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो बिफोर का है इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करके आप यहाँ पे इन सबको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से सही रहेगा, लाइक यहाँ पे पूरा सर्कल बना। सर्कल बनने के बाद जब ये इस तरीके से छोटा छोटा सर्कल आता है तब आपका आफ्टर वाला आना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर वे में जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ड्यूरेशन वगैरह को। अब ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजिशन एक ऐड करना होगा, तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको डिजॉल्व का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। ध्यान से इसी को आपको यूज़ करना है, बाकी ट्रांजिशन यूज़ मत करना, इसी को यूज़ करना, जस्ट डन कर देना। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये वाला जो एनिमेशन वो बन के रेडी हो गया, बट ये फिर थोड़ा सा देरी हो गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर इंक्रीज कर लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का ध्यान देना है, ओके। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। सो आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारी एडिटिंग हो गई है। अब इसमें वो जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब जूम वाला रहता है और ब्लैक होता है वो हमें बनाना है, तो उसे बनाने के लिए आप अपने फिर से इसे प्ले करो एंड प्ले करने के बाद जब ये आपका पूरा सर्कल बन जाता है, जैसे कि ये जो सर्कल यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, ये मैं प्ले करता हूँ,
यहाँ पे ये पूरा सर्कल बन गया है, ठीक है। तो आपको इसी पोजीशन पे आ जाना होगा एंड आपका जो फोटो है उसे आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो अगर आपका यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है देन बहुत अच्छा, अगर स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ या फिर पीछे आ जाओ, आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट हो जाने के बाद आपको इस वाले पार्ट को ब्लैक करना है, तो ब्लैक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर लो एंड यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाना, एडजस्ट में जाके सेचुरेशन को जस्ट आप यहाँ से माइनस कर दो एंड ओके कर दो, हो गया ब्लैक में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल रहा और इतना पार्ट ये ब्लैक में हो गया। तो यही काम हमें करना भी था, ओके। सो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली ब्लैक हो जा रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो अगेन हमें यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज़ करना होगा। तो प्लस के ऊपर आप क्लिक करना एंड फिर से यही डिजॉल्व को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, फिर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पे भी ये ट्रांजिशन हमारा ऐड हो गया, लाइक आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये नॉर्मल से सिर्फ ट्रांजिशन है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे जूम इन इफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ट्रांजिशन यूज़ करने से आप जानते हो फोटो का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो आफ्टर वो पहले आ जा रहा है, तो इन दोनों का ड्यूरेशन हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऐसे इस तरीके से आप भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दे रहे हैं ड्यूरेशन को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वो जो जूम इन वाला इफेक्ट वो बनाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है, इसकी मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ दूर तक नॉर्मल रहने देना है, फिर एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर एक की फ्रेम ऐड करना है और फिर एक आपको लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। ऐड हो गया। अब ये जो मिडिल वाला की फ्रेम रहेगा यहाँ पर आप आना, फोटो को जूम कर देना एंड आपका एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर पूरा एनिमेशन बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख पाओ एनिमेशन बन गया। तो इसी तरीके से सिमिलरली आपको बना लेना। अब एक काम आपको यहाँ सिर्फ करना होगा, म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए इस वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करना, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना, फिर माई म्यूजिक में जाके म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक हो वो सारा म्यूजिक आ जाएगा, बट आपको यूज़ करना है ट्रेंडिंग वाला म्यूजिक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से ट्रेंडिंग वाले म्यूजिक को जस्ट सेव कर लेना डिस्क्रिप्शन से और जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप बैक कर लो और सर्च को पर आओ एंड यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर लिख के सर्च करो, ठीक है, क्योंकि उस म्यूजिक का नाम ही मैंने बिफोर आफ्टर कलर ग्रेडिंग रखा है। तो ये सर्च करोगे स्टार्टिंग में आ जाएगा, यूज़ के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर आप जस्ट यहाँ से डन कर देना तो ये म्यूजिक ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे वीडियो को बना सकते हो। बन चुका है। अभी से अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ऑटो एंड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। मैनुअल में आप रेजोल्यूशन 1080, फ्रेम रेट 60, इसे 50 के आसपास रख के एक्सपोर्ट कर देना, अच्छे क्वालिटी में आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।